इस मशीन ने एनालाइज कर लिया है मेरे बॉडी वेट बॉडी फैट को। पता है कुछ सालों बाद चाइना वाले ऐसी इस डिवाइस के अंदर भी एक छोटी सी चिप लगा के बोल दें कि इससे टच करो और ये भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज बता देगा टेम्परेचर के साथ साथ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं और क्या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है आपके लिए। तो जो डिवाइसेस आप देख रहे हो ये हैं बॉडी फैट एनालाइजर। आप एक सिंपल 150-200 रुपए को ये क्लिप वाला एनालाइजर भी यूज़ कर सकते हो और ये जो लगभग 2,500-2,500 रुपए का आता है इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी बॉडी फैट एनालाइजर टाइप की मशीन्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया है और बेस्ट रिजल्ट किसके होते हैं, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट किसके होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले बताता हूँ कि कैसे असल में बॉडी फैट एनालाइजर्स काम करते हैं। तो बेसिकली बॉडी फैट एनालाइजर में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो या तो हाथों के थ्रू या फिर आपके पैरों के थ्रू बहुत ही हल्का करंट आपकी बॉडी में सेंड करते हैं। ये करंट इतना माइन्यूट होता है कि किसी को कभी पता नहीं चल सकता है कि आपकी बॉडी में करंट का सिग्नल पास हुआ है। अब अगर एक करंट का सिग्नल जल्दी से आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, क्विकली बाहर निकलता है, तो इसका मतलब है कि उसमें फैट परसेंटेज कम है, आपके सेल्स में आपके टिश्यूज में फैट परसेंटेज कम है। और अगर ये स्लोली ट्रेवल करता है, यानी कि इस करंट ने स्लोली ट्रेवल करके बाहर निकला ये, तो बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है जो उस करंट को ट्रेवल करने से धीमा कर रही है। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जब भी आप इस टेस्ट को करें। एक, आपने जो है शावर नहीं लिया हो इस टेस्ट को करने से पहले, आपने ड्रिंक अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया हो इसको करने से पहले, और आपने बहुत सारा खाना नहीं खाया हो या बहुत सारा पानी नहीं पिया हो इसको इस टेस्ट को करने से पहले। मतलब ऐसा मत करिए कि कई बार आपने रात को पार्टी करी ड्रिंक करी और मन किया आओ भाई अब बॉडी का फैट का परसेंटेज हम नापते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, उससे आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। इवन आप कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराते हो कभी किसी चीज़ को लेके KFT LFT, तो भी रात को कभी अल्कोहल कंजप्शन मत करना, 24 घंटे में कभी भी अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी है। एक्यूरेसी कितनी है इसकी, 3-5% ऊपर नीचे ये टेस्ट हो सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हैं या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या बॉडी में किसी भी टाइप के आपके इक्विपमेंट यानी कि मेडिकल कोई चीज़ लगी हुई है तो इस टेस्ट को अवॉइड करिएगा। इस टेस्ट को आप फ्रीक्वेंटली तो बिल्कुल भी मत करिएगा और कभी करते भी हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक मस्त सा डेमो करते हैं। ये नॉर्मल वेइंग मशीन है, ये बॉडी फैट एनालाइजर है, किंतु थोड़ा वेट ज्यादा आ रहा है। और इसमें ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट बॉडी में पास करने वाले हैं। तो अभी मैं दूसरा डेमो आपको दिखाता हूँ। अब मैं ये बॉडी फैट एनालाइजर मशीन के ऊपर खड़ा हो गया हूँ और तो इस मशीन ने एनालाइज कर लिया है मेरे बॉडी वेट बॉडी फैट को। बेसिकली मैंने क्या किया, ऐप इंस्टॉल किया, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है इसको और ये बता रहा है मेरा वेट 72.5 kg वेट बता रहा है मेरा ये, और बॉडी फैट 15.9%, BMI 23, विसरल फैट, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर दिखा दी। यानी कि जो एडवांस थोड़े बॉडी फैट एनालाइजर आपके जिम में होते हैं उतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आपके मोबाइल में दिखा रहा है। और जो तरीका है वो सेम है, इलेक्ट्रिकल करंट बॉडी में पास होगा और वो ये चेक करेगा कि फैट परसेंटेज कितनी है और थोड़ा एल्गोरिथम्स के हिसाब से आपको आपके रिजल्ट दिखाएगा। तो बॉडी एज जो मेरे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 33 ईयर्स, मेटाबॉलिक एज जो दिखा रहा है मेरी बॉडी फैट और बाकी चीज़ों के परसेंटेज के हिसाब से, जो कि ऑब्वियसली कम है मेरी नॉर्मल एज के हिसाब से, तो इसे देख के थोड़ी खुशी होती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो थोड़ी मेहनत जो इतने सालों से करी है वो काम आ रही है। और अगर हम बात करें कि इसका फ़ायदा क्या है, इसकी प्राइस जो लगभग है वो है 1600 रुपये ओनली, और जो नॉर्मल वेइंग मशीन है वो 1200 रुपये की मैंने परचेज करी थी, जो दिखती थोड़ी अच्छी है, ये भी इसे बुरी नहीं दिखती है। तो अगर आप देखेंगे ग्लास की है कम्प्लीटली और अपना काम अच्छा खासा करती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये अपना काम अच्छा खासा करती है, क्योंकि मैंने क्लिपर के थ्रू भी अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट किया और मैं करता था पैसे पहले भी, मैं कर चुका हूँ ये चीज़। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने जो बॉडी के फैट एरिया हैं कुछ स्पेसिफिक, एक आपका जो साइड वाला एरिया है वो, दूसरा आप अपने चेस्ट के एरिया को और अपने ट्राइसेप्स के एरिया को, आप इससे फैट को पकड़ोगे जब
तीन बार आपको ये करना है हर एरिया से, और फिर उसको प्लस करके उसका एवरेज निकालना है। तो जो एवरेज होता है वो एवरेज आपका अप्रॉक्सीमेटली बॉडी फैट कैलकुलेट करता है, और काफ़ी सही कैलकुलेशन होती है इसकी। तो इसकी कैलकुलेशन और इस मशीन की कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और ये मशीन है, इस कंपनी का नाम है एक्टिव एक्स, और इसके अंदर आपको सेल डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये चार्जर के थ्रू आप नॉर्मल मोबाइल चार्जर के थ्रू से चार्ज कर सकते हो, और ब्लूटूथ ऑन करोगे तो अपने आप ही सिंक हो जाता है उसके साथ। तो ये इसकी खासियत है। ओमरॉन में, ये ओमरॉन कंपनी है आई थिंक, ओमरॉन, हाँ, तो ओमरॉन कंपनी का मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा था। ये भी ठीक ठाक है, टेक्नोलॉजी सेम है, ये करंट पास होता है यहाँ से, करंट का बिल्कुल भी असर नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी एक्यूरेसी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये लगभग 3-4% ज़्यादा दिखाता है कई केसेस में बॉडी फैट की परसेंटेज। और क्यों दिखाता है कि ये कैलकुलेशन जो करता है उसके अंदर ये बॉडी एज को, यानी कि आप जो एज इसके अंदर डालोगे तो उसको कैलकुलेट ज़रूर करता है, उसको वैल्यू से उसको बढ़ा देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जब भी इसमें चेंज करता हूँ, यानी अपनी एज को जब भी इसके अंदर चेंज करूँगा, तो ये बॉडी फैट परसेंटेज को भी बदलता रहेगा। ये मैंने कई बार इसके साथ टेस्टिंग करी है। लेकिन हाँ, छोटे जिम्स के अंदर या नॉर्मल जिम्स के अंदर भी आप इस मशीन को रखिए, तो क्लाइंट को डराने के लिए ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपका फैट परसेंटेज काफ़ी हाई है और आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और पर्सनल ट्रेनिंग लेने की भी आपको शायद ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो ये जो डिवाइस है, अगर आपको 1600 की प्राइस में मिल रही है, जो कि अमेजोन में मुझे दिख रहा है, एक्टिव एक्स एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और 1600 रुपये में इसको लेना वर्थ है। अगर बजट नहीं है आपका तो इसको भी आप ले सकते हो। देखो फ़ायदा क्या होता है ना, कोई भी गोल अगर मेजरेबल हो, आप उसे बार बार टेस्ट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, आप लगे रहोगे। तो आप समझ लो कि आपने एक प्री वर्कआउट का डब्बा खरीद लिया या आपने BCAA का डब्बा खरीद लिया, उतना ही प्राइस है इसका, और चलेगा कुछ साल आपका ये, मतलब कई साल भी चल सकता है अगर आप ढंग से केयर करो। अनलाइक मी, ये नॉर्मल जो बॉडी वेइंग मशीन्स भी आती हैं, ये भी 1200-1300 रुपये की आती हैं। तो उस वे में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सही डील है। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा वीडियो, आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, एक प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगा आपके, और मिलते हैं दोबारा, गुड बाय। और हो सकता है कुछ सालों बाद चाइना वाले ऐसी इस डिवाइस के अंदर भी एक छोटी सी चिप लगा के बोल दें कि इससे टच करो और ये भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज बता देगा टेम्परेचर के साथ साथ, तो वो भी चाइना वाले हमारे साथ कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के भी रहिएगा।